भी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ले लेते हैं सर से कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ग्राफ व्राफ आ जाते हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, या हम लोग न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है जैसे केमिकल काइनेटिक्स में भी कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं और कुछ सिंपल रिएक्शन के बेसिस पर जो चलता है। जितना सर देखिए केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल वाले यूनिट्स हैं वो 5 या 6 यूनिट हैं न्यूमेरिकल वाले, तो उसमें मैंने बच्चों को भी बोला है और फिर से मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि उसमें क्या करना है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है हर चैप्टर का। भले ही आप एक एक क्वेश्चन लगाइए, दो दो क्वेश्चन लगाइए, अगर आप दो दो भी लगाते हैं तो 10 क्वेश्चन आपने रोज न्यूमेरिकल वाले लगा दिए। तो अगर आप इस तरह से करते आए तो देखिए 300 दिन के आसपास तो बीत ही गए हैं, तो लगभग कितने सारे न्यूमेरिकल्स आपने लगा लिए हैं। जहाँ पे जो अब न्यूमेरिकल्स में भी क्या है कि केमिस्ट्री में एकदम फ्लैट नहीं रहता, अलग अलग क्लास रहती है। जैसे कहीं पे वांट ऑफ फैक्टर डालना है, कोई आयोनिक सब्सटेंस है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि आयोनिक सब्सटेंस है तो वांट ऑफ फैक्टर यूज़ करना है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो चाहे ना हो। तो वहाँ पे वो फिर चीज़ वही बात आएगी कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अगर आपको प्रैक्टिस है, आपने चीज़ें की है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स है तो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर पे मैंने बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक फॉर्मूले दिए हैं जिनसे कि क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाता है और बहुत सारा लॉग का एप्लीकेशन भी नहीं लगता है। और मैंने इन लोगों को लॉग भी याद करवाया है, एंटी लॉग कैसे लेते हैं वो भी बताया चीज़ें। हालांकि हमारे बच्चे सब बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, इन सब यूनिट्स में उनको बहुत इन सब चीज़ों में स्पेसिफिकली बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी उसको कैसे फटाफट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने इनको बताया है। और अगर ये उस पर काम करते रहेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ग्राफ्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड नहीं है, कुछ जगह पे ग्राफ से रिलेटेड है, जैसे बॉयल्स ला है, चार्ल्स ला है, तो वहाँ पे सभी चीज़ें मैंने बताया है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से भी उनको बताया है कि कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इसको स्टैब्लिश करते हैं। बस ये है कि आपको उसको रेगुलर एक बार ज़रूर देखना है, हर 2-3 दिन बाद देखना है, ताकि आप कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट मिस ना कर रहे हो उसमें। अब देखा जाए सर, जैसे हमने ये बातें करी तो यहाँ से जैसे आपने बॉयल्स लॉ का नाम लिया, मुझे मेरी फिजिक्स याद आ गई। तो कहीं ना कहीं सर कुछ चैप्टर जो ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बोलूं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से जो चैप्टर है हमारा, वो हमारा मॉडर्न फिजिक्स में काफी हद तक कवरिंग होती है, कॉमन है चैप्टर। फिर आप केमिकल काइनेटिक्स में जाने पर न्यूक्लियर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कॉमन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला, रेडियो एक्टिविटी वाला जो सेक्शन आ जाता है। फिर जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जो बहुत सारे टॉपिक कॉमन है। तो कहीं ना कहीं इसकी यदि देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स को यदि हम देखें तो फिजिक्स में सिंपल है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग एंट्रोपी पे आके रुक जाते हैं। एंट्रोपी तो बस नाम के लिए पढ़ते हैं, उसके आगे जैसे हम केमिस्ट्री में घुसते हैं तो एंथैल्पी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट टाइप की जो एंथैल्पीज हैं उसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री में अलग है, एक्स्ट्रा है। तो जो डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज हैं उन पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, कहाँ से क्या चीज़ें आ सकती है, कहाँ पे क्या चीज़ कैसे प्रेडिक्ट करना है, वो सारी चीज़ों पे भी काम किया है। तो वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि उतना ही पोर्शन एक्स्ट्रा है फिजिक्स के केमिस्ट्री के अंदर, एंथैल्पीज वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, बाकी आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क और इधर का जो हिस्सा है आइसोलेटेड सिस्टम आइसोबारिक, ये सब तो कॉमन ही है दोनों में। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, मुझे नहीं मालूम लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।